इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। हनुमान जयंती पर एमपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। खरगोन हिंसा को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 600 पुलिसकर्मी तैनात है। ड्रोन से निगरानी करेगा प्रशासन। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता दें। ड्रोन से प्रशासन निगरानी करेगा, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। हनुमान जयंती पर मध्य प्रदेश में जगह जगह पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए और ड्रोन से प्रशासन निगरानी करेगा। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं हनुमान जयंती से जुड़ी। यहाँ पर खरगोन हिंसा को देखते हुए अब जगह जगह पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 600 पुलिसकर्मी भी तैनात है और ड्रोन के जरिए निगरानी करेगा प्रशासन। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर हनुमान जयंती पर एमपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, हनुमान जयंती पर एमपी में अलर्ट जारी किया गया। खरगोन हिंसा को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया। ड्रोन से निगरानी करेगा प्रशासन, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें। हनुमान जयंती पर एमपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है और हनुमान जयंती पर एमपी में अलर्ट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खरगोन हिंसा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के लिए 600 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और ड्रोन से निगरानी करेगा प्रशासन। हनुमान जयंती पर मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। खरगोन हिंसा को देखते हुए यह अलर्ट जारी किया गया। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सुरक्षा व्यवस्था के लिए 600 पुलिसकर्मी तैनात हैं। बड़ी जानकारी, ड्रोन से निगरानी करेगा प्रशासन और इस वक्त की बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजय गोहिल रायसेन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वही कुलदीप भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए, माफ कीजिएगा, कुलभूषण भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वही मनोज विदिशा से हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले अजय आपका रुख करूंगी। अजय, क्योंकि सुरक्षा बढ़ा दी गई है, हनुमान जयंती का अवसर है, क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखी जा रही है? बिल्कुल श्रावणी, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि हनुमान जी का आज जन्मोत्सव है और रायसेन जिले में भी इसको धूमधाम से मनाया जाता है। क्योंकि हालांकि खरगोन हिंसा के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी है, लेकिन हम आपको बता दें कि भक्तों के उत्साह में, भक्तों की सेवा में कहीं कोई कमी नहीं है। हालांकि पूरा प्रदेश में जो प्रशासन है, सरकार है, वो पूरे अलर्ट मोड पर है। कहीं भी किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए सब, पूरे जिला प्रशासन से लेकर पूरे प्रदेश सरकार सब अलर्ट है। हम इस समय रायसेन के सबसे प्राचीन मंदिर नवाबपुर, जिसका पहले नाम था, लेकिन विगत कई वर्षों पहले इसका नाम हनुमान मंदिर कर दिया। पहले सबसे पहले हम अपने दर्शकों को सीधे, भक्तों को सीधे दर्शन कराएंगे दद्दा के। ये हनुमान जी का सबसे प्राचीन पुराना मंदिर है। लगभग बताया जाता है कि 800 साल से निरंतर दद्दा यहाँ पर लोगों की मनोकामना, भक्तों की मनोकामना यहाँ पर पूरी कर रहे हैं। वहीं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि कभी भी अखंड रामायण यहाँ पर वर्षों से चली आ रही, जो निरंतर जारी है। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात है, यहाँ किसी भी भक्त की जब हर मनोकामना यहाँ तुरंत पूरी होती है। भगवान भी यहाँ पर सच्चे मन से यहाँ पर जो श्रद्धा लेकर आते हैं, वो मानते हैं। दद्दा के दरबार में हर भक्त की यहाँ पर मनोकामना पूरी होती है। भक्त यहाँ पर आते हैं श्रद्धा के साथ। चूंकि आज हनुमोत्सव है, हनुमान जी का आज जन्मोत्सव है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये करीब 800 साल पुराना इस मंदिर का इतिहास बताया जाता है। लगभग 800 साल पहले ये जो बब्बा की ये मूर्ति है, जो दद्दा की मूर्ति है, इसको रायसेन के ऐतिहासिक किले पर स्थापना के लिए ले जाया जा रहा था। लेकिन जो यहाँ के पुराने साधु संत हैं, वो बताते हैं कि दद्दा की मर्जी थी, शायद हनुमान जी बाबा महाराज की मर्जी थी कि मुझे इसी जगह पे स्थित होना है। तो
बैलगाड़ी से जब इनको ले जाया जा रहा था तो कई बैलगाड़ियां आई, लेकिन जैसे ही दद्दा की मूर्ति को बैलगाड़ी में रख रहे थे तो बार बार बैलगाड़ी की पार टूट रही थी। आखिर में ये तय हुआ कि दद्दा को यहीं पर स्थापित किया जाए और आखिर में उनको यहीं स्थापित कर दिया गया। हमारे साथ यहाँ पर भक्त मौजूद हैं, पुजारी भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे सबसे पहले जानते हैं महाराज क्या है इस मंदिर का इतिहास। इस मंदिर के बारे में पूर्वज जो सारचंद जी बताते हैं कि किले के टाइम पर यहाँ की मूर्ति जो है किले पर स्थापित होने के लिए जा रही थी, तो पहले क्या बैलगाड़ी से मूर्ति आती थी तो यहाँ पर बैलगाड़ी रुकी, उसकी पार टूट गई, तो लगभग 11 पारें यहाँ पर बदली गई, ऐसा पूर्वज बताते थे, तो वो ऐसे हम सुनते आ रहे हैं। और 11 पारें बदली गई लेकिन मूर्ति यहाँ पे नहीं चली, तो ब्राह्मणों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये मूर्ति जो है वो यहीं पर स्थापित की जाए, क्योंकि किला एक दिन वीरान हो जाएगा, फिर इस मूर्ति की कौन पूजन करेगा। मूर्ति आज की बात करते हैं, आज जन्मोत्सव है तो आज क्या क्या कार्यक्रम है? आज यहाँ सुबह प्रातःकालीन पूजन हो गई, दोपहर में यहाँ पर भव्य अभिषेक श्रेष्ठ धारा से अभिषेक ब्राह्मणों द्वारा किया जाएगा जो लगभग 3 घंटे के करीब चलेगा। शाम के टाइम विशेष हवन 2-3 घंटे के लिए चलेगा जिसमें 5 पंडित लोग रहेंगे जो कि 5 पंडित लोग रहेंगे। सर कहाँ से आए हैं? पास में ही रहता हूँ दद्दा के दरबार में रेगुलर आता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने देखा है कि आसपास जो भी लोग रह रहे हैं यहाँ पर आते हैं, कोई भी यहाँ पर परेशान नहीं है। दद्दा के द्वार पे जो भी आता है अपनी मनोकामना लेकर उसको पूर्ण करते हैं, ऐसा विश्वास। अजय बने रहे हमारे साथ जानकारी के लिए, लौटेंगे। वही विदिशा से हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ बने हुए। मनोज, फिलहाल आप जिस मंदिर में मौजूद है उस मंदिर की क्या कुछ महत्वता है और इसके साथ वहाँ पर क्या कुछ तस्वीर है, किस तरीके से हनुमान जयंती मनाई जा रही है? विदिशा के मुरादपुर धाम में मौजूद हूँ। हजारों साल पुराना बजरंगबली का धाम है। यहाँ पर बजरंगबली की प्रतिमा विश्राम अवस्था मौजूद है। ये शायद मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसी भगवान की मूर्ति होगी यहाँ पर बजरंगबली विश्राम की अवस्था में है। हजारों साल पुरानी ये प्रतिमा बताई जाती है। इस प्रतिमा को लेकर कई किदवंतियां भी कही जाती हैं। बताया जाता है कि हजारों साल पहले औरंगजेब ने प्रतिमा की एक जो पैर का छोर है उसका पता लगाने के लिए खुदाई करवाई, उसके चलते मंदिर के सामने एक तालाब बन गया, लेकिन बजरंगबली के पैर का छोर का पता नहीं चल पाया। काफी श्रद्धा है यहाँ पर हनुमान जयंती के मौके पर, हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। बाबा का श्रृंगार किया गया है, विशेष रूप से कैमरा पर्सन से कहूंगा बताएं यहाँ पर विशेष रूप से श्रृंगार बजरंगबली का किया गया। अंजनी नंदन यहाँ विश्राम अवस्था में मौजूद हैं। हमारे साथ इस मंदिर में जो पुजारी हैं वो मौजूद। सर क्या है इस मंदिर को लेकर खास बात? देखिए आज हनुमान जयंती के जिन 20 को शुभकामना। इसके साथ इसका इतिहास बहुत पुराना है, इसका इतिहास हमारे वेदों में भी है और समस्त इस बजरंगबली का इतिहास है हमारे में, क्योंकि औरंगदेव के समय बजरंगबली यहीं पर रहे। बजरंगबली का जो दायां पैर है, दायां पैर आक्रमणी जो था उसने इनके पैर खोदने की सोची, मगर कहते हैं हमारे यहाँ के पूर्वज बोलते हैं हजारों साल पे जो हमारी परंपरा चली आ रही है वो बताते हैं कि इनका अगर पैर खोदे, मगर इनने बहुत खोदे, उनका मतलब कोई तालाब में कुछ नहीं मगर इनके जो खोदे वहां से दूध उत्पन्न हुआ। हाँ सेम, वहां से इनका पैर का दूध उत्पन्न हुआ, तो उसने कहा कि ये क्या चमत्कार है, तो उसने बजरंगबली से माफी मांगी कि मुझे माफ करिए और मुझे यहाँ से मैं यहाँ से चला जाता हूँ, तो इसको कोई छेड़ नहीं है, वो सिर्फ वहां से चले गए। ये बजरंगबली का प्राचीन धाम है। मैं कैमरा पर्सन कहूंगा प्रतिमा को बताएं, दर्शन कराएं हमारे इंडिया न्यूज के संवाददाता को। हमारे इंडिया न्यूज के दर्शक, ये बजरंगबली का अद्भुत धाम मुरादपुर धाम है। यहाँ का बताया जाता है कि जो मनोज बने रहे हमारे साथ जानकारी के लिए आपके पास दोबारा लौटेंगे। वही कुलभूषण हमारे साथ लगातार बने हुए। कुलभूषण, आज हनुमान जयंती है, ऐसे में सुरक्षा के भी इंतजाम जो है फिलहाल वहां पर बढ़ा दिए गए, क्या कुछ तमाम जानकारी है और किस तरीके से वहां पर हनुमान जयंती मनाई जा रही है? देखिए हनुमान जयंती को लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने सभी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार वाले जिलों में रहने की बात कही थी और इसके साथ ये भी कहा था कि जो कलेक्टर और एसपी हैं लगातार उनसे मॉनिटरिंग करें, क्योंकि खरगोन में जो रामनवमी के जुलूस के दिन हिंसा हुई थी उसके बाद आने वाले जो बड़े त्यौहार हैं इसको लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया था।
PHQ मुख्यालय पुलिस मुख्यालय से मध्यप्रदेश में एक आदेश जारी किया गया था जिसमें आगामी आदेश तक किसी भी पुलिसकर्मी को छुट्टी देने से इनकार कर दिया गया था। बड़ी फोर्स जो है जो अति संवेदनशील है इलाके हैं वहां पर पुलिस की बड़ी फोर्स लगाई गई है। राजधानी भोपाल में 600 से अधिक जो पुलिसकर्मी हैं वो सुरक्षा संभालते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही खरगोन की अगर बात की जाए तो खरगोन में फिलहाल 2 घंटे ही कर्फ्यू की ढील दी गई है। इसके साथ ही उसके बाद फिर से खरगोन में कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, वहां पर जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। राजधानी भोपाल की अगर हम बात करते हैं तो पुराने शहर में जो नियम पुलिस की तरफ से लागू किए गए थे उन नियम और शर्तों के अनुसार ही जुलूस निकाला जाएगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई गलती जो आयोजक है वो करते हैं तो पुलिस सख्त कार्रवाई उन पर करती हुई नजर आएगी। तो कह सकते हैं कि हनुमान जयंती पर मध्यप्रदेश में अलर्ट है और इस अलर्ट के साथ मध्यप्रदेश में बड़े ही धूमधाम से हनुमान जयंती का पर्व मनाया जा रहा है। बिल्कुल कुलभूषण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।